अब यहां से मैं न्यू डाइट सिस्टम में पहुंचा तो सबसे पहले तो हम सभी लोग, इनकी बदौलत यहां पे है और इनकी बदौलत ही हम सभी लोग श्री बीवी चौहान जी के हिसाब से हम यहां पे अपना जीवन स्वस्थ बनाएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ हम बीवी चौहान जी का वेलकम करेंगे। इंडिया में 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग इनका फॉलो करते हैं और आज तक एक केस, सिंगल केस भी नेगेटिव नहीं है। बहुत बड़ी बात है। और कोई भी रोग, चाहे जो नाम है, आप लेके आना और ये इसका प्रयोग करना, आप इसका अद्भुत परिणाम देख सकोगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी रोग मिट सकता है। अब कैसे मिटता है, क्या मिटता है, वो हम आगे देखते हैं। वैसे वो इंजीनियर थे। मैं ये भी बता दूं कि एनडीएस का डिस्कवरी कैसे हुआ। चौहान साहब खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सुपरिटेंडेंट थे, लेकिन काफी बीमारियों से वो जूझ रहे थे। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब कुछ कर लिया उन्होंने, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जो कुछ है भगवान के, हनुमान चालीसा तक, जो भगवान का करना पड़ता है वो तक भी कर लिया, सब कुछ कर चुके वो, लेकिन फायदा कहीं भी नहीं हुआ उन्हें। तो वो सोचने लगे कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं तो मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा है, कहां गलती हो रही है मेरे से, सभी डॉक्टर ने दवाई दी, सभी ने सब कुछ किया, लेकिन मुझे क्यों फायदा नहीं होता है। वहां से उन्होंने अपनी सोच बदली कि भाई मैं देखता हूं कि नेचर में कैसा होता है। तो वो रामायण वगैरह का भी अध्ययन करते थे, उसमें भी उन्होंने देखा कि जो प्राणी नेचर के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको कभी भी बीमारी नहीं आती है। जैसे कि पुराने जमाने में योगी अपने होते हैं जो फल फूल खाते थे, कोई पका हुआ खाना कोई नहीं बनाता था उस जमाने में, तो सभी स्वस्थ होते हैं, लेकिन हम हर रोज नई चीज बना के खाते हैं। तो ये उन्होंने एक फर्क महसूस किया कि भाई हाथी क्या कहता है, हाथी जैसा, हाथी इतना पावरफुल प्राणी, वो भी तो खाली घास खाता है, बोले तो उसके घास खाने से उसको इतना बल मिलता है, तो फिर हम क्यों साइंस के आधार पर दूध पीते हैं कि भाई कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन खाते हैं, कार्ब्स अलग खाते हैं, ये सब क्यों। तो ये सोचने लगे ये सब। तो ये सोच से उनको लगा कि भाई हाथी, सिर्फ हाथी घास के सिवाय कुछ नहीं खाता, गाय घास के सिवाय कुछ नहीं खाती, शेर मांस के सिवाय कुछ नहीं खाता, मतलब नेचर में भगवान ने जिसके लिए जो बनाया है वो वही खाते हैं, सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ खाने पे लगा हुआ है, नहीं खाने की चीज भी वो बना बना के खाने लगता है। तो बोले यही शायद हम गलत है। तो वहां उनको ये बात समझ में आई कि हम नेचर के विरुद्ध जाते हैं, नेचर के विरुद्ध जाके खाते हैं, इसलिए हम इतने बीमार होते हैं। तो ये बात उनको वहां समझ में आई। उस दिन के बाद उन्होंने खुद पर प्रयोग किया रॉ फूड खाने से, कि फल फूल खाने लगे, वेजिटेबल्स खाने लगे और उनको धीरे धीरे फर्क होने लगा। तो उनको लगा कि भाई हाँ ये तो बहुत सही है, बोले तो इसमें इतना फर्क हो रहा है। तो फिर उन्होंने 9 साल इसके पीछे खुद के ऊपर प्रयोग किए, क्योंकि पूरा फल से फायदा हो रहा है इतना पता चला, कितने प्रमाण में खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये समझने में 9 साल लग गए उनको। और इस 9 साल में 93 में उन्होंने ये न्यू डाइट सिस्टम को लॉन्च कर दिया था और सबसे पहले अपने परिवार की परिवार में प्रयोग किया, सब परिवार जनों को भी फायदा हो गया, सभी के रोग मुक्त हो गए। तब उनको लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उन्होंने लोगों को बोलना शुरू किया, प्रचार होते हुए जितने लोग ने प्रयोग किया सभी को फायदा हुआ।
तो बोले भाई ये तो अद्भुत प्रयोग हो गया है, क्यों ना हम लोगों को बांटें इसको। और उस दिन से आज तक 25 साल हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने आज तक अनाज नहीं खाया है। और उनकी स्टैमिना या एनर्जी देखेंगे ना तो हम सब कुछ भी नहीं है। उनकी उम्र 75 इयर्स की है, लेकिन हम लोग उनके जितनी ताकत नहीं रखते हैं। इतने स्फूर्ति रहती है, वो छलांग तक मार सकते हैं ये उम्र में। तो ये अद्भुत उनका जो ये डाइट है, इसका प्रयोग करने पे आप भी अनुभव कर पाएंगे। तो इस तरह न्यू डाइट सिस्टम का आविष्कार हुआ और वहाँ से उन्होंने सबको, आज 15-20 करोड़ लोग इंडिया में इसको फॉलो करते, देश विदेश में करते। अभी वो खुद यूएस में है, यूएस कनाडा और यूके के दौरे पे गए हैं 3 महीने के लिए, और अभी वहाँ प्रचार कर रहे हैं और वहाँ पे भी लगातार प्रचार हो रहा है। कई लोग मेरे जैसे साधक वहाँ पे भी प्रचार करते हैं और बहुत ही अच्छे से वो आगे बढ़ रहे हैं। अब जो है उनकी एक प्रेयर है, बहुत ही सुंदर प्रेयर, जिसमें अगर आप सुनोगे ना तो बहुत ही गहरा इसमें मीनिंग है। तो मैं चाहूँगा सभी लोग, 3 मिनट की प्रेयर है, लेकिन मैं चाहूँगा इसकी गहराई, इसके शब्दों पर ध्यान दीजिए और समझिए। हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। दसवां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाएं। खिले फूल खुशबू देते, वैसे ही हम भी बन जाएं। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। असत नहीं यह प्रभु मैं दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई।
दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। एक इसमें अंतरा था, जिसमें अगर आपने सुना हो तो पेड़ के बारे में कहा है कि पेड़ कैसे होता है, कभी अपने लिए कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ वो देता ही है। छाया तो दूसरों को देता है, फल तो दूसरे को देता है, और जितना बड़ा होता है उतना झुकता है। तो बहुत सीखने जैसा है, पेड़ से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इतने अद्भुत उनके विचार कि लोगों को देना चाहिए, कुछ ना कुछ दूसरों को देना चाहिए, जो हो सकता अच्छा करो, लेकिन कुछ भी न हुआ तो एटलीस्ट किसी का बुरा मत करो।